राहुल वैद्य को अर्शी खान ने बुलाया नल्ला। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि राहुल वैद्य जो है वो हमेशा से एकदम स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के तौर पर जाने जाते हैं बिग बॉस सीजन 14 के घर। अब शायद बिग बॉस सीजन 14 के घर पे नल्ला ये जो शब्द है उसका उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। जिस दिन सलमान खान का बर्थडे था उस दिन गेस्ट बनकर आई थी शहनाज गिल और उन्होंने विकास गुप्ता को नल्ला बोला था। उसके बाद बहुत से लोगों ने नल्ला शब्द का जो उपयोग है वो करना शुरू कर दिया है। अब ऐसे लग रहा है कि अर्शी खान ने ये ठान लिया है कि बाकी सारे के सारे नल्ले लोग हैं बिग बॉस सीजन 14 के घर और वही अकेली है जो एकदम सीधी साधी समझी सुलझी हुई औरत है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि राहुल वैद्य और अर्शी खान के बीच छिड़ गई है जंग, जहां पर राहुल वैद्य ने अर्शी खान से ये कहा है कि दिल और दिमाग में थोड़ा वजन लेके आओ। दूसरी बात, अर्शी खान जब राहुल वैद्य को कहती है ये भाग गया था, ये नल्ला है, इस नल्ले को इज्जत करनी नहीं आती है औरतों की, इस बात से ये बातें हो रही है। और वहीं पर जब राहुल वैद्य ने ये बात कही कि तुम्हारे पास वजन बहुत है, तुम सिर्फ पकड़ पकड़ करते फिरते रहती हो, तो थोड़ा सा वजन अपने दिल और दिमाग में भी लेकर आओ, तो इसी बात को उठा लिया है अर्शी खान ने और वो बिग बॉस से कंप्लेन कर देती है राहुल वैद्य की और कहती है कि नल्ला राहुल वैद्य जो है वो मुझे बॉडी शेम कर रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, अब बिग बॉस का क्या पलटवार होगा राहुल वैद्य और अर्शी खान पर? क्या कुछ है आपकी राय, जरूर बताइए इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा।